पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विभाग के कल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों में भवन निर्माण किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 1400 पंचायतों के लिए स्वीकृति दी गई है। सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से होगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रम सामग्री का अनुपात अब जनपद स्तर पर संधारित किया जाएगा। सरपंचों को 25 लाख रूपये तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति देने का अधिकार दिया है, जबकि सहायक यंत्री को तकनीकी स्वीकृति की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई है। पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत सरपंचों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान को नगरीय निकायों के समान बनाने की मांग स्वीकार की गई। सरपंचों को रोजगार सहायक और सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त सरपंचों को जनपद पंचायत में बुलाने का नियम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत में और नगरीय निकाय में खासकर अविश्वास प्रस्ताव की अवधि 2.5 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है और साथ में 3/4 जो डायरेक्ट इलेक्शन जिनके हुए हैं उनको 3/4 से हटाने की बात की गई है। तो ये भी एक बड़ी डिमांड थी, जिसको मैंने कहा कि जो नगरीय निकाय ने किया है उसी के आधार पर हम अध्यादेश निकालेंगे, लेकिन विधानसभा में जाएंगे तो जो कि हमें पंचायत में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने सिद्धांतता इसको मंजूरी दी है जिसको हम विधानसभा में लेकर आएंगे। रोजगार सहायक और सचिव इनकी एसीआर लिखने का अधिकार हमने दिया है सरपंचों को, अभी तक ये नहीं था। और पहले एसीआर लिखने का अधिकार था, वो लेकर दस्तखत कराते थे, लेकिन पिछले 2 साल में वो कहते किसी ने कराया ही नहीं। तो ये वास्तव में कंप्लायंस कराना है, ऑलरेडी रूल है, खाली कंप्लायंस नहीं होता था तो उसको तय किया है कि पिछले 2 साल की एसीआर को मैं पूछिए कि सरपंच के अगर दस्तखत नहीं हुए हैं तो क्यों ना उनका मानदेय रोक दिया जाए। मानदेय रोकने का मतलब है नौकरी खत्म है, तो जो वो जीआरएस है, तो बाकायदा नियम था लेकिन नियम का कंप्लायंस नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको कंप्लायंस करने के सख्त निर्देश दिए। साथ में मैंने उसमें जोड़ा है कि पिछले 2 साल, बहुत पीछे मत जाइए, पर पिछले 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, तो 2 साल की एसीआर में अगर सरपंच के दस्तखत नहीं है तो फिर उस पर कार्यवाही कर देना चाहिए। आया होगा कि जनपद में रोस्टर में सरपंचों को बैठक में बुलाया जाना चाहिए, तो पहले किसी ने कह दिया पर्ची निकाल कर, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। 2.5 साल में 6 महीने का 6-6 महीने के स्लैब बनाइए और आप उनको बैठक में बुलाइए, और अगर 90 हैं तो उनको बांट लो, आप कैसे करोगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनको, तो मैंने कहा ये कंप्लायंस की बात। दूसरी कंप्लायंस ये थी, मुझे लगता है कि आज की बातों में इतनी ही बातें हैं, कुछ और अन्य चीजें हैं जो हमें सरपंच संघ के लोगों ने दी थी। आज बड़े सौहार्दपूर्ण